ज्ञानवापी केस में कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कोर्ट में 14 मई से 16 मई तक हुए सर्वे की रिपोर्ट पेश कर दी है। आपको याद होगा इससे पहले कोर्ट के ही आदेश पर 6 और 7 मई को सर्वे होना था, लेकिन डेढ़ दिन के सर्वे के बाद ही मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध करते हुए सर्वे की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए थे और कोर्ट से कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने की मांग कर डाली थी, जिस पर कोर्ट ने अजय मिश्रा को हटाने से इनकार कर दिया था। और 12 मई को वाराणसी कोर्ट ने दोबारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद 14 मई से 16 मई तक दोबारा सर्वे किया गया था। लेकिन उन डेढ़ दिन के सर्वे यानी कि 6 और 7 मई के सर्वे में जो सबूत सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने 2 दिन की अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है, जिसे कोर्ट में रिकॉर्ड में ले लिया गया है। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में इसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। जानकारी ये भी है कि अजय मिश्रा ने कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें हिंदू आस्था से जुड़े कई निशान और प्रमाण मिले हैं। चलिए बताते हैं आपको 6 और 7 मई को सर्वे में क्या क्या मिलने का दावा किया जा रहा है। हिंदू आस्था से जुड़े कई निशान और प्रमाण मिलने की बात है। ज्ञानवापी परिसर में टूटी हुई मूर्तियां, मंदिर के अवशेष और कमल के फूल दिखाई दिए हैं। सभी चित्रों पर भगवा रंग है। 4 हिंदू देवता के आकार दिखे हैं। दीवारों पर हिंदू आस्था से जुड़े निशान हैं। इस्तेमाल हुए दिए के अवशेष दिखाई दिए। शेषनाग की तस्वीर भी दिखी है। जी हाँ, पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने जो कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है वो भले ही सार्वजनिक ना हुई हो, लेकिन उसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इससे पहले शिवलिंग मिलने का भी दावा किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने इस इलाके को सील कर दिया था। जो रिपोर्ट अजय मिश्रा ने सौंपी है उसमें हिंदू आस्था से जुड़े कई निशान और प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन सभी चित्रों पर भगवा रंग है। 4 हिंदू देवी देवताओं के आकार दिखाई दिए हैं। दीवारों पर हिंदू आस्था से जुड़े कई निशान मौजूद हैं। इस्तेमाल हुए दिए के अवशेष के साथ साथ शेषनाग की तस्वीर भी दिखाई दी है। आपको बता दें हाल ही में 14 से 16 मई के बीच दोबारा सर्वे हुआ था। उसमें सर्वे के तीसरे और आखिरी दिन यानी कि 16 मई को मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का भी दावा किया गया था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर उस पूरी जगह को सील कर दिया गया है जहाँ शिवलिंग मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा कोर्ट के आदेश पर उस जगह सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। वहीं जानकारी ये भी है कि पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की रिपोर्ट ज्ञानवापी की मस्जिद के बाहरी हिस्से पर ज्यादा केंद्रित है, लेकिन अब इस रिपोर्ट में क्या है ये सब जानना चाहते हैं और जानने की उत्सुकता भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अजय मिश्रा वही है जिन्हें मुस्लिम पक्ष ने सर्वे टीम से हटाने की मांग उठाई थी, उनकी निष्पक्षता को लेकर सवाल किए थे। हालांकि कोर्ट ने तब तो उनको हटाने से इनकार कर दिया था, लेकिन दोबारा 14 मई से 16 मई तक का सर्वे खत्म होने के बाद कोर्ट ने अजय मिश्रा को हटा दिया था। कोर्ट ने मीडिया में खबरें लीक करने के मामले में उन पर यह कार्रवाई की थी, जिसके बाद कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दाखिल की। लेकिन बावजूद इसके अजय मिश्रा को टीम में शामिल करने की मांग भी उठ रही है। खैर, देखना होगा पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की इस रिपोर्ट को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उनमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है।